हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलोइड्स। और उससे पहले जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ वो है एडजॉप्शन, फिजियोजॉप्शन, कैमीजॉप्शन और साथ ही साथ एडजॉप्शन आइसोथर्म, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिस टाइप से बोर्ड में पूछा जाता है उसी टाइप से मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो है कॉलोइड्स, और इससे बीच में जो टॉपिक आ रहा था कैटालिसिस वाला वो एनसीईआरटी में से डिलीट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधे स्विच कर रहे हैं कॉलोइड्स के ऊपर। पर कॉलोइड्स के ऊपर जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लाइक वहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कॉलोइड्स कहाँ से बीच में से निकल कर आया। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में बता देती हूँ, फिर इस टेबल पर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि इस टेबल के फॉर्म में अगर आप लर्न करोगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो थोड़ा सा टेबल पे जाने से पहले भी कुछ हिस्ट्री आपको बता देती हूँ कि भाई किस तरीके से ये कॉलोइड टर्म है वो आई। तो पहले क्या था कि जो पार्टिकल्स, जितने भी जो सब्सटेंसेस थे, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था क्रिस्टलॉइड और दूसरा था कॉलोइड। तो क्रिस्टलॉइड्स जितने भी जो सब्सटेंस है जिनके क्रिस्टलाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उनको हमने वहां पर इंक्लूड कर दिया क्रिस्टलॉइड्स के अंदर, जैसे शुगर, सॉल्ट, आप लोगों को पता है जनरली। अब उसके बाद में कॉलोइड्स में किनको कंसिडर किया गया, जिनको वहां पर कॉला, एक जो ग्रीक वर्ड होता है कॉला, और जिसका मीनिंग होता है ग्लू लाइक, तो गम लाइक, ग्लू लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है, उनको वहां पर इनिशियली इंक्लूड किया गया था कॉलोइड्स के अंदर। तो जिसमें जैसे गम हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, इन सबको लिया गया था। तो बाद में क्या पता चला कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर हो या गम लाइक स्ट्रक्चर हो वही कॉलोइड्स हो सकते हैं। तो फिर बाद में जो वो क्लासिफिकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद में नया क्लासिफिकेशन है वो दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज वाला जो क्लासिफिकेशन है उस पे जाने से पहले कि किस तरीके से पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमने तीन अलग टाइप के वहां पर कैटेगरीज यहाँ पर रख रखी हैं, जिसमें सबसे पहला है सस्पेंशन, कॉलोइड्स और ट्रू सॉल्यूशन। ये तीनों चीजें आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देख रखी हैं, बट हमें उनका नाम नहीं पता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई जाओ किचन के अंदर और पानी के अंदर है वो सॉल्ट घोल कर लेकर आ जाओ, अब वो सॉल्यूशन का अगर आप ध्यान से देखो तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कहीं पर भी वहां पर सॉल्ट घुलने के बाद में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। तो वो आता है यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर पानी के अंदर वो क्लियरली वहां पर जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है जिसमें वहां पर पार्टिकल्स आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, तो और जिसमें कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पार्टिकल्स का, तो वो उस टाइप का सॉल्यूशन जो होमोजीनियस होता है वो तो होता है ट्रू सॉल्यूशन। फिर अगर आप जैसे घर में डेली मम्मा कहती है दूध पीना है, दूध पीना है, तो दूध या बटर, क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो हैं यहाँ पर कॉलर्ड्स के, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, आपको पता होगा ना। अच्छे से मिल्क है, अगर मैंने उसको ग्लास भर के दे दिया तो आप उसके मतलब बहुत क्लियरली जैसे पानी के ग्लास के थ्रू ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो, वैसे मिल्क के ग्लास के थ्रू आप ट्रांसपेरेंट है वो नहीं देख सकते हो। तो उसका जो नेचर है वो क्या है, वहाँ पर ट्रांसलूसेंट है। वो कैसे दिखेगा हमको, ट्रांसलूसेंट दिखेगा। साथ ही साथ अगर आपने दूध को अच्छा गर्म किया है तो उसके ऊपर आपको फैट के जो ग्लोब्यूल्स है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है, वो आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि वो होमोजीनस नहीं है। आप चाहे कितना भी उसके अंदर जो फैट के जो ग्लोब्यूल्स उनको कितना भी मिक्स कर लो, फिर भी वो अच्छा गर्म करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ है वो दिखाई देगी। कुछ नहीं, हमने गर्म नहीं किया, भाई हमें तो ठंडा ही रखना है, तो फ्रिज में रख दिया, तो उसके ऊपर जो फैट की फॉर्म के अंदर जो मलाई है, मलाई की लेयर आ जाती है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इट इज हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन हो गया। फिर रही बात सस्पेंशन की, भाई आपने क्या किया कि घर के अंदर, या आपने कभी मतलब जो काफी बार होता है कि भाई पानी के अंदर कुछ नहीं तो ये चौक ही आपने डाल के देख ली, तो चौक कभी पूरी डिजोल्व नहीं होगी, वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाती है। अगर आपने जैसे पानी के अंदर जो जो रेत, जो मिट्टी है वो अगर आपने डाल के देख ली, तो वो कभी डिजोल्व नहीं होगी, वो हमेशा उसके जो पार्टिकल्स है, क्योंकि बड़े होते हैं सैंड के पार्टिकल्स, वो हमेशा क्या है, नीचे जाकर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया। और ये भी किस टाइप का होगा, हेट्रोजीनियस होगा, वो अलग अलग दो लेयर्स हमको क्लियरली दिखाई दे रही है, तो वो भी कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। तो यहाँ पर ये तीन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं जिनके जिनके बारे में हमें पता नहीं था, पर जिनके एग्जांपल्स हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हैं वो देख रखे हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे, क्योंकि कॉलोइड्स पे जाने से पहले बेसिक नॉलेज है वो हमें होना चाहिए कि भाई सस्पेंशन क्या होता है, कॉलर्स क्या होता है, या ट्रू सॉल्यूशन कैसे होता है, किस टाइप का दिखाई देगा हमको। क्योंकि जो प्रिपरेशन जब हम पढ़ेंगे कॉलर्स की, तो वहां पर ये टर्म्स बार बार आती रहेंगी, फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज क्या होती है, ये सस्पेंशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन
कलर्स किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर वहां आगे पहुंचने से पहले इसी चीज को यहीं पर बेसिक हम अपना क्लियर है वो करके चलते हैं। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसके अंदर सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, आप लोग भी जैसे कि मैं बार बार कहती रहती हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठो आप लोग, और इसी तरीके से आप टेबल बना लो जल्दी से। और यहाँ पर फर्स्ट जो मैंने कॉलम में लिखा है प्रॉपर्टी, देन सस्पेंशन, उसके बाद में कॉलर्स, उसके बाद में ट्रू सॉल्यूशन मैंने लिखा है। तो आप भी जल्दी से इस तरीके से टेबल बना लो। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख रहे हैं, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज से मतलब है कि जो वहां पर सॉल्यूशन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर नमक घोल के लेकर आओ, तो पानी तो हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा और नमक क्या होगा, उसके अंदर कम होगा। तो जो नमक जो कम है उसको तो हमने बोला सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर उसको हमने क्या बोला, सॉल्वेंट बोला। तो यहाँ पर भी आपको दो दो चीजें हैं वो नजर आएगी। तो पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स वहां पर जो होंगे वो क्या होंगे, वहां पर हमको कंसिडर करने एज पार्टिकल साइज होगा, वो होगा यहाँ पर इट इज मोर देन 10^-5 सेंटीमीटर। वो 10^-5 से क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम कॉलर्स का साइज देखें तो वो 10^-7 से 10^-7 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा, और जबकि यहाँ पर क्या होगा, इट इज लेस देन 10^-7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्टिकल साइज इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, और इसका जो पार्टिकल साइज है वो 10^-7 सेंटीमीटर से भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा यहाँ पर। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। तो सस्पेंशन को तो हम क्या करते हैं, देख सकते हैं विथ नेकेड आइज, हम इनको विजिबिलिटी होगी विथ नेकेड आइज। मतलब अगर मैंने कहा जैसे पानी के अंदर मैंने वहां पर सैंड है वो डाल दी, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं। फिर आता है कॉलर्स, तो कॉलर्स को हम क्या है कि नेकेड आइज से है वो नहीं देख सकते हैं, नॉट विथ नेकेड आइज, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते पार्टिकल्स को, साथ ही साथ नॉट विथ एनी ऑप्टिकल मीन, किसी भी ऑप्टिकल मीन के तरीके से भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेपरेशन, कि भाई उनके पार्टिकल्स को उसके सॉल्यूशन से हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आता है फिल्टर पेपर। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमने जो सैंड के पार्टिकल्स हैं अगर उसको हमने फिल्टर किया फिल्टर पेपर के थ्रू, तो सैंड के पार्टिकल्स ऊपर, एक टी लीव्स वाला एक और एग्जाम्पल है। जैसे आप लोगों ने सैंड वाला नहीं करके देखना चाहते, तो रोज आपकी मम्मा कहती होगी, या जनरली आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, जब भी वीडियो देख रहे हो चाहे तो सबने बनाई होगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम जब वहां पर जाते हैं किचन के अंदर चाय बनाने के लिए, तो टी लीव्स हमेशा क्या रह जाती है कि जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर ही रह जाती है। तो इसका मतलब है कि उनका पार्टिकल साइज क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से वो ऊपर रह गया। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सस्पेंशन का। तो वहां पर फिल्टर पेपर के जैसे काम कौन कर रहा है, स्ट्रेनर काम कर रहा है। तो यहाँ पर जिनका भी पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है पॉसिबल फिल्टर पेपर के साथ में अगर हम करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा फिल्ट्रेशन या सेपरेशन, ये नॉट पॉसिबल, और इसके अंदर भी नॉट पॉसिबल। अगर मैंने जैसे कहा था कि भाई पानी के अंदर सॉल्ट है वो घोल कर लेकर आओ, फिर आप उसको फिल्टर करो तो भी ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूध है अगर उसको हम फिल्टर कर रहे हैं तो हल्की बहुत मलाई है, उसको भले ही छोड़ दो, पर फिर भी उसको फिल्टर पेपर से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फिल्टर पेपर के अंदर जो पार्टिकल जो पोर साइज है वो थोड़ा सा लार्जर होता है। उसके बाद में फिर SPM मतलब होगा वहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर सेलुलोज की है वो बनी रहती है। अब यहाँ पर इसके थ्रू हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू,
इसमें पोर साइज क्या होता है, थोड़ा कम होता है फिल्टर पेपर से, बहुत कम होता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कॉलोइड्स को हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशंस को फिर भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया हमारा। उसके बाद में डिफ्यूजन, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनका जो पार्टिकल साइज है वो लार्ज होता है, वो डिफ्यूज है, वो नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं डू नॉट डिफ्यूज। और इसके अंदर क्या होगा, कॉलर्ड्स हैं वो स्लोली डिफ्यूज है, वो कर सकते हैं स्लोली डिफ्यूज, और ये रैपिडली डिफ्यूज है वो होते हैं, रैपिडली डिफ्यूज। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेटलिंग। सेटलिंग से मतलब है नीचे जाकर सेटल डाउन होना। तो यहाँ पर जितने भी जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स, जिनका पार्टिकल साइज बड़ा है, तो डेफिनेटली बात है कि जिनका पार्टिकल साइज लार्जर है तो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा क्या होंगे, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, चाहे वो अगर आपने घर में कोई बर्तन के अंदर सैंड डाल दी हो तो वो भी क्या होगी, नीचे जाकर सेटल डाउन है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर गेट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट सेटल, और ये भी डू नॉट सेटल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेचर। तो मैंने जैसे स्टैटिक में बोला था होमोजेनियस हेटरोजेनियस, वही चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर सस्पेंशन है वो भी कैसा हो जाएगा, क्योंकि दो अलग लेयर्स है वो हमको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हेटरोजेनियस, ये हो जाएगा यहाँ पर हेटरोजेनियस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, और ये वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर अपीयरेंस। अपीयरेंस जो सस्पेंशन जो है वो, उसके थ्रू हम कभी भी आर पार है वो नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे ओपैक। इसका जो अपीयरेंस है वो ओपैक होता है। कॉलॉइड्स है वो ट्रांसल्यूसेंट, मतलब हल्का फुल्का आप उसके थ्रू देख सकते हो, तो इस वजह से उसको कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। और ये होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट्स से टेबल आप जल्दी से बना लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमें नहीं पता होगी तब तक हम आगे प्रिपरेशन वगैरह के अंदर फिर वापस ये टर्म्स आएंगे तो वहाँ पर कंफ्यूज होंगे। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, कॉलर्स क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन है वो क्या होता है। वैसे ये नाइन्थ क्लास में भी टॉपिक आ चुका है, बट फिर भी हमने कॉलर्स पढ़ने से पहले इसको डिस्कस है वो कर लिया। यहाँ पर कुछ टर्म्स है जैसे टिंडल इफेक्ट वगैरह, मैंने अभी नहीं लिया है क्योंकि अभी कॉलर्स हमने पढ़ा नहीं, मैं यही मान के चल रही हूं। तो वो जो सारी जो टर्म्स है वो प्रॉपर्टीज के अंदर ही हम लोग डिस्कस है वो करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज वाली जो टेबल है उसको बना लो और उसको लर्न करने की कोशिश करो। थैंक यू।